आज हम लोग जो थंब एपीयू है उसकी बात करेंगे। तो डायग्राम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो ये जो व्यू है वो थंब के अंदर कोई भी फ्रैक्चर है या डिफॉर्मिटी है उसका फाइंड आउट लगाने के लिए ये व्यू है वो किया जाता है। अगर हम इसमें पोजिशन की बात करते हैं तो हैंड इज प्रोनेटेड। सबसे पहले हैंड को प्रोन पोजिशन देनी है, उसके बाद में रिस्ट एंड जो हैंड है उसको इंटरनली रोटेट करना है, जिसकी वजह से जो आपका थंब है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, कैसेट के कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी जैसे ये आपका हैंड है, ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोन पोजीशन देनी है, उसके बाद में इसको इंटरनली रोटेट करना है। तो ये जो आपका थंब है ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, कैसेट के कांटेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो सेंटर रे है वो फर्स्ट एमसीपी जॉइंट पे देना है, जैसे कि बाकी जितने भी व्यू है उनमें आप लोग देख चुके हो। कॉलिमेशन की बात करेंगे तो इसमें वो जो अफेक्टेड थंब की जो फ्लेंजेस होती है और जो डिस्टल मेटाकार्पल्स है, ठीक है, इनको इंक्लूड करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर सेम रहेगी, जैसे एक्सपोजर फैक्टर है या गोनेडल शील्डिंग है या अदर जो चीज़ें हैं वो सारी जो फिंगर या थंब के अंदर थी वो सेम रहेंगी। ठीक है, थैंक यू और बाय, टेक केयर।